Assalamualaikum. My topic is the Earth in space. Axis, the imaginary line which the Earth spins on it is called axis. वो तसव्वुराती लाइन जिस पर अर्थ घूमती है वो एक्सिस कहलाती है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ मूवमेंट ऑफ अर्थ के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रेवोल्यूशन. फर्स्ट रोटेशन, द अर्थ स्पिन अराउंड इट एक्सिस एंड विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड रोटेशन. जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसी तरह एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है उसे हम रोटेशन कहते हैं. और अर्थ अपने एक्सिस पर घूमने में 24 आवर्स लगाती है जिसके सबब दिन और रात बनते हैं. जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही होती है उस तरफ दिन होती है और जिस तरफ अंधेरा होता है उस तरफ रात होती है. अब मैं आपको रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा. द अर्थ स्पिन अराउंड एज द अर्थ स्पिन अराउंड इट एक्सिस इट आल्सो मूव अराउंड द सन. जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसी तरह अर्थ सूरज के गिर्द भी घूमती है. इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. ऑर्बिट द सन मूव अराउंड द अर्थ मूव अराउंड द सन एंड मून मूव अराउंड द अर्थ. दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट. जिस तरह ज़मीन सन के गिर्द घूमती है उसी तरह ज़मीन मून के गिर्द भी घूमती है. इसे हम ऑर्बिट कहते हैं. और ज़मीन अपना चक्कर 365 डेज में मुकम्मल करती है और इसके सबब सीजन बनते हैं. थैंक्स.